वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग स्क्रिप्ट। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूँ कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग स्क्रिप्ट चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें, लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है, और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। इस स्टेट में 5 बजे शाम के बाद महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। उस स्टेट में महिला पुलिस विभाग में शामिल होकर के अब सुरक्षा दे रही है स्टेट को, ये कम बड़ा महिला सशक्तिकरण है क्या? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ हाँ या ना में लोगों को देना है। जिस स्टेट में 5 बजे शाम के बाद निकलती है और मास लेवल पे भर्तियां हुई है, लोगों को ये नजर नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कह सकता। उसका रिजल्ट का इंपैक्ट आपको भागलपुर और बांका में गिरधारी यादव जेडीयू से लड़े, जयप्रकाश यादव के अगेंस्ट में। 2 बार पहले भी जयप्रकाश यादव चुनाव हार चुके हैं और क्या बोलते हैं वो लोग उनकी भाषा में, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी हारेंगे। ये सही मैंने प्रोनाउंस किया था, गलत किया था? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, इस बार भी हारेंगे। तो ये कहानी है बिहार की। लेकिन 1 मिनट में यूपी पे लूंगा सर। अमरोहा सीट पर लोग बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे, ना बीएसपी है ना आरएलडी है, दानिश अली के समर्थन में न बड़ी रैलियां हुई, ऐसा क्या तोप मार दिया? क्या बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी रैली हुई जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दोनों ने अपना हाथ मिला के उठाया है। लोग कहां थे सर? रैली तो गजब हाल है सर। महाराष्ट्र में पोलिंग देखिए कितना ड्रॉप हो गया। क्यों ड्रॉप हुआ? अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क होंगे, कुतर्क हो सकते हैं। सत्य तो ये कि कैडर भी इन पार्टियां लड़ रही है वहां पर, ना एनसीपी के पास अपना कैडर है, पोलिंग बूथ नहीं पे एजेंट नहीं मिल रहा है सर एनसीपी के लिए। कांग्रेस के लिए वही हाल है महाराष्ट्र। आपने ये बात कही तो मैं आपको, आज मैं देख रहा था TV9 पे अमिताभ अग्निहोत्री का शो आता है, तो डॉली शर्मा वहां से लड़ रही है नोएडा से। कह रहा था कि मैं गया था वहां पे बूथ पे, 40-45 मिनट रहा, वहां कोई है ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से बेचारी का पैसा खर्च करवा दिया। हाँ है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, यही हालत हमारे वाले उस पर थी बूथ पर। मैं गया था करीब 12:30-1 बजे के आसपास गया था, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो बस्ते लेकर के बैठे थे, पर्चियां बना रहे थे, वहाँ तो ठीक ठाक भीड़ थी। कांग्रेस वाले पे 3 या 4 ही लोग खड़े हुए थे और बाकी सारी कुर्सियां खाली भी पड़ी थी, बस 1-2 लोग बैठे हुए थे। तो ये तो हाल तो इस बात वाकई बेहाल है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं सर, चुनाव जीतने के लिए कैडर तो होना चाहिए सर। बात तो आपकी सही है। तो आप चलते हैं थोड़ा महाराष्ट्र में। वरुण जी वेट कर रहे हैं बहुत देर से, उनसे पूछते हैं कि भाई महाराष्ट्र में 58.85% क्या हुआ? महाराष्ट्र में सर, एक तो इस बार जो 8 सीट थी उसमें से दर्शकों को बता दूं कि 3 सीट पिछली बार बीजेपी जीती थी, 4 शिवसेना के पास थी और 1 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थी नवनीत राणा अमरावती से, वो अभी बीजेपी से लड़ रही है। तो वैसे 8 के 8 सीट अभी NDA फैक्शन के पास थी, पर इसमें से पिछली बार 3 सीट पे क्लोज कॉन्टेस्ट था। एक तो अमरावती का था जहाँ पे नवनीत राणा बस कुछ 35-36 हज़ार वोटों से जीती थी, एक अपना परभनी का था वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ 40 हज़ार वोटों का मार्जिन था, और एक नांदेड़ का था वहाँ पे 40-42 हज़ार वोटों का मार्जिन था। परभनी तो शिवसेना थी शायद? हाँ, शिवसेना थी वहाँ पे। और शिवसेना के पास नांदेड़ में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था और बीजेपी 40 हज़ार वोटों से वो सीट जीती थी। पर अभी नांदेड़ में अभी जो पिछले कुछ महीनों में हुआ, अशोक चव्हाण अभी बीजेपी में आ गए, तो इस बार तो वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है नांदेड़ का, क्योंकि एक तो अशोक चव्हाण का होम कैडर भी है और दूसरी बात कि मोदी जी और अमित शाह दोनों ने वहां पे रैली की है। ये काफी रेयर देखा जाता है कि दोनों एक साथ किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रैली करें,
तो इस बार वो सीट तो ऐसा लग रहा है कि 1 लाख के आसपास वोटों से जीत जाएंगे वो। अमरावती अभी भी क्लोज कॉन्टेस्ट ही लग रहा है, क्योंकि पिछली बार नवनीत राणा इंडिपेंडेंट लड़ी थी तो काफ़ी मुस्लिम वोटर्स का उनको समर्थन मिला था, और INC हो या शरद पवार हो, उन्होंने एक्सटर्नल सपोर्ट उनको डिक्लेयर किया था। तो 15% मुस्लिम वोट और कुछ 20-22% दलित वोट है वहाँ पे, तो उनका काफ़ी समर्थन उनको वहाँ मिला था। पर इस बार क्योंकि वो BJP से लड़ रही है तो वो परसेंटेज शायद ड्रॉप हो जाएगा। और दूसरी बात, VBA कितनी सीटों पे लड़ रही है? VBA तो ऑलमोस्ट हर सीट पे लड़ रही है। यहाँ पे भी एक मिनट, अमरावती में VBA का ये कैंडिडेट है। अमरावती में आनंद अंबेडकर है, VBA डायरेक्टली नहीं लड़ ली, पर प्रकाश अंबेडकर का जो भाई है आनंद राज अंबेडकर और अंबेडकर का ग्रैंडसन, वो वहाँ से लड़ रहे हैं, और VBA और MIM दोनों ने उनको एक्सटर्नली सपोर्ट डिक्लेयर किया है। तो अगर ये अच्छा खासा वोट ले जाते हैं वहाँ पे, अगर मुस्लिम और दलित वोट, तो वहाँ पे शायद छूट सकती है BJP के लिए सीट, पर वो क्लोज कॉन्टेस्ट है। ये 40% का जो सेक्टर है मुस्लिम दलित वोट का, वो अगर BSP का भी वहाँ पे कैंडिडेट है, तो अगर VBA और ये BSP, तो आनंद अंबेडकर किसकी तरफ से लड़ रहा है? वो रिपब्लिक पार्टी है अलग से, उसको एक्सटर्नली VBA और MIM ने सपोर्ट किया है। अच्छा, वो तो मतलब ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया ना वहाँ पे। हाँ, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है वहाँ पे, और पिछली बार VBA को 65,000 वोट मिले थे और इनका जीतने का मार्जिन 36,000 था। तो इस बार MIM भी सपोर्ट कर रही है, तो वो अगर 1.25 लाख वोट तक चला जाए अगर आनंद अंबेडकर का, तो फिर नवनीत राणा आराम से जीत सकती है सीट 50-60,000 वोटों से। ओके, बाकी यहाँ पे थर्ड सीट अपनी परभनी में कॉन्टेस्ट था, वहाँ पे शिवसेना के पास ही है वो सीट 99 से, और 2014 और 2019 दोनों में संजय यादव वहाँ पे जीते थे। पर इस बार वहाँ पे संजय यादव और महादेव जानकर, जो एक अलाय पार्टी है महायुति में, तो महादेव जानकर वहाँ से लड़ रहे हैं। वहाँ पे मेन एक जो फैक्टर था उनको टिकट देने का, वो कास्ट इक्वेशन था। तो वहाँ पे कुछ 9 लाख OBC वोटर्स हैं, जिसमें से 3 लाख जो है वो महादेव जानकर के कास्ट के, धनगर कास्ट के। तो अगर वो वोट उनको एनमार्च चले जाते हैं और OBC वोट अगर BJP की तरफ आता है, तो शायद इनका विनिंग परसेंटेज अच्छा हो सकता है। और मराठा वोटर्स वहाँ पे स्प्लिट हो रहे हैं, एक तो एक शायद तुपकर है जो एंटी गवर्नमेंट फार्मर लीडर है, तो अगर वो 50,000 1 लाख वोट ले जाते हैं, तो फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे का गट और ये महादेव जानकर, इसमें फिर वो कॉन्टेस्ट रह जाएगी। और उद्धव ठाकरे के वोट में से जो तुक्कर है उनको 1 लाख मिल जाए, तो महादेव जानकर की सीट आराम से छूट सकती है। अच्छा, इसमें जो है ये बताएं कि पिछली बार मराठा वोट किस तरफ पोलराइज थे? पिछली बार तो अच्छा खासा BJP को वोट हुआ था मराठाओं का, पर इस बार आई थिंक BJP इज बैंकिंग मोर ऑन OBC वोट, क्योंकि एक थोड़ी सी एक नरेटिव बनाया गया था शरद पवार की पार्टी ने कि BJP इज प्रो ब्राह्मण प्रो OBC पार्टी, और मराठाओं पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो थोड़ा सा एक मराठा वोट स्प्लिट हो सकता है शरद पवार और BJP में। ओके, तो आप ये 8 सीट जो गई है इनका क्या हिसाब किताब बताते हैं? BJP के जो 3 सीट थे वो तो BJP आराम से रिटेन कर रही है। अमरावती में डिपेंड करता है कि वंचित बहुजन अगाड़ी मतलब आनंद अंबेडकर को कितने वोट मिलते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि BJP जीतेगी या नहीं। शिवसेना के पास जो 4 सीट थी उसमें से 2 तो वो जीत रही है। हिंगोली की एक ऐसी सीट है जो अब तक कभी भी जो इनकम्बेंट MP है वो जीता नहीं है, तो BJP तो आज तक एक भी बार नहीं जीती और इनकम्बेंट MP वहाँ पे कभी भी जीता नहीं है। तो हिंगोली की सीट शायद वंचित बहुजन को जा सकती है, ये ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रहे हैं, क्योंकि जो महायुति का भी कैंडिडेट है और जो महाअघाड़ी का भी कैंडिडेट है, दोनों का उतना ग्राउंड पे ये पकड़ नहीं है, क्योंकि तीनों जो कैंडिडेट है वहाँ पे हिंगोली में वो तीनों फर्स्ट टाइमर्स हैं, और वहाँ पे VBA को थोड़ा सा ये लोगों का सपोर्ट ज़्यादा है। तो एक वो सीट हिंगोली की सीट VBA को जा सकती है, और एक और सीट है जहाँ पे क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है अपना यवतमाल माशी,
तो वाशिम सीट जो है वहाँ पे पिछले 3 बार से जो है वो ये गवड़ी जीत रही थी, एक मिनट, भावना गवड़ी वो 2009 से वहाँ जीत रही थी, और पहले यवतमाल वाशिम भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, तो वाशिम भी उन्होंने पहले लड़ा है और जीता है, पर इस बार वो कुछ उन पे करप्शन चार्जेस थे तो वहाँ पे एक कैंडिडेट चेंज कर दिया है। तो हिंगोली का जो शिवसेना का कैंडिडेट था उनको वहाँ से टिकट काट के उनको पत्नी को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से दिया गया है। तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का गठ है उनके और एकनाथ शिंदे में ये कॉन्टेस्ट है, तो वो थोड़ा सा इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट वहाँ पे चल रही है कि ये बाहर से ला के यहाँ पे कैंडिडेट दिया है, पर एकनाथ शिंदे ने वहाँ पे काफ़ी काम किया है, 4 बार वो वहाँ जाके आए, और शिवसेना के भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो वहाँ पे काफ़ी ग्राउंड पे उन्होंने काम किया है, तो जीत तो सकती है शिवसेना पर क्लोज कॉन्टेस्ट होगा वहाँ पे भी। सो आई थिंक 3 BJP, 3 शिवसेना, 1 क्लोज कॉन्टेस्ट एंड 1 फॉर VBA। ओके, तो ये हो गया। ये बताइए कि 3 सीटें अभी भी बाकी हैं, ठाणे और मुंबई की 2 सीटें जिन पे अभी तक फैसला नहीं हुआ है किसको जा रही हैं, अभी क्या सिचुएशन है? ये तो अभी डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे, एकनाथ शिंदे भी नहीं कर रहे, और BJP भी थोड़ी सी बच रही है अभी, क्योंकि इंटरनली काफ़ी मुंबई नॉर्थ और मुंबई साउथ के लिए भी BJP भी दावा कर रही है और शिवसेना भी दावा कर रही है, वैसे ही नासिक के लिए भी एक कंटेस्ट चल रहा है, शिवसेना को उनका चाहिए, NCP में भी छगन भुजबल ने पहले क्लेम की थी पर वो मराठा वोटर्स का रिसेंटमेंट था उनके अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मराठा रिजर्वेशन मिल जाएगा तो OBC का रिजर्वेशन चला जाएगा, तो वो थोड़ा सा अपोज कर रहे थे मराठा रिजर्वेशन को, तो वो थोड़ा सा उनको बैकफुट पे जाना पड़ा, पर NCP अभी भी थोड़ा क्लेम कर रही है उस सीट को। परसों गोपीनाथ मुंडे की जो लड़की थी पंकजा मुंडे, उनको अभी वहाँ बीड की सीट मिली है, तो उनकी जो बहन है प्रीतम मुंडे जिन्होंने पिछली बार लड़ा था वहाँ से, तो वो कह रही है कि प्रीतम मुंडे को भी हम नासिक से लड़वाएंगे, तो एक नासिक के लिए भी तीनों पार्टियों में चल रहा है, मुंबई साउथ के लिए BJP शिवसेना में चल रहा है, पर अभी कुछ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहे कोई, वो अभी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या डिसीजन लेते हैं।